हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी घर में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका बच्चा 5 महीने का या 6 महीने का कंप्लीट कर चुका है, 5-6 महीने कंप्लीट वो कर चुका है, तो आपके माइंड में सबसे पहली बात यही आती है कि अपने बच्चे को 6 महीने का जब वो हो जाता है कंप्लीट, तो क्या देना उसको शुरू करें। क्योंकि 6 महीने से जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ के दूध पर ही डिपेंड होता है, तो ऐसे में कई पेरेंट्स कुछ गलतियाँ कर देते हैं और उन गलतियों की सजा उनका बेबी भुगतता है, उसको काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप जब बेबी को मदर फीड से एकदम से स्विच करते हो थोड़ा सॉलिड फूड पर, तो किस तरीके का सॉलिड फूड आपको अपने बेबी को देना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर सके, उसकी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने बच्चे को देखिए, 6 महीने तक जो बच्चा होता है वो माँ का दूध ही पीता है और माँ के दूध के अंदर आधे से ज़्यादा पानी होता है। आप सभी जानते हैं, मैंने बहुत सी वीडियो मदर फीड पे बनाई हुई हैं कि माँ का जो दूध होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप सोच लीजिए तभी बच्चा बार बार शुशु कर। तो ऐसे में अगर आप डायरेक्ट बच्चे को एकदम से हैवी फूड देना शुरू करते हैं तो वो आपके बच्चे के साथ, आपके शिशु के साथ काफ़ी हेल्थ वाइज रिस्की हो सकता है। तो एकदम से ज़्यादा सॉलिड ना देना शुरू करें। जो थिकनेस है आप अपने बच्चे के फूड की वो बिल्कुल पतली पतली रखें। आपने सबसे पहला तो ये काम करना है, आपने दाल का पानी देना शुरू करना है। दाल के पानी में आप पीली मूंग की दाल और हरी छिलके वाली दाल बनाएं और उस ऊपर से दाल बॉयल करने के बाद जो उसका पानी आता है उस पानी को लेना है आपने, वो बच्चे को देना है। उसमें आप चाहें तो नमक डाल सकती हैं या फिर अगर बच्चा ईजिली ऐसे ही खा लेता है तो आपको नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप चावल की जो पीच होती है, जब आप चावल बनाते हैं चावल का जो मांड होता है उसको भी आप गाढ़ा गाढ़ा ऊपर आता है उसको भी आप हल्का सा नमक मिलाकर वो दे सकते हैं। सेकंड, आपने फ्रूट्स की प्यूरी देनी है, एप्पल बनाना कोई भी फ्रूट है उनकी प्यूरीज बनाकर आपने बेबी को देनी है। मिक्स फ्रूट प्यूरी आप दे सकते हैं। थिकनेस पतली रखिए, ज़्यादा एकदम से थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा थिकनेस बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। पतला पतला रखें, बिल्कुल जैसा कि दूध होता है इस तरीके का आपने पतला पतला रखना है, जैसा आप मदर दूध होता है उस तरीके की थिकनेस रखें, बिल्कुल पतली, जो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि अभी अभी उसने माँ का दूध ही पिया है, उसका किसी भी टेस्ट का नहीं पता और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से अभी तैयार नहीं हुआ है कि वो एकदम से तगड़ा खाना खा सके। तो थिकनेस एकदम से कम रखें, तकरीबन 7 से 8 महीने, 2 महीने आपने थिकनेस कम रखनी है। जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है फिर आपने थोड़ी थोड़ी करके थिकनेस बढ़ा देनी है। उसके बाद में आप कोई भी फ्रूट्स, जैसे बच्चा 8 महीने का हो जाए तो आप दाल के पानी की जगह डायरेक्ट दाल दे सकती हैं, पतली पतली मिर्च मसाले उसमें ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्रूट्स प्यूरी की जगह आप फ्रूट्स मसल के दे सकती हैं, फ्रूट्स को हाथों से मैश करके दे सकते हैं। पतला सा फुल्का बना के उसको दाल में चूर के बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से वो आप बेबी को दे सकती हैं। बट हाँ, आपने ज़्यादा मसाले वसाले बच्चे को नहीं देने हैं, इससे बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी हो सकती हैं। आप अपने बच्चे को सूजी की खीर भी बना के दे सकती हैं, सूजी की खीर बच्चे को बहुत हेल्थ वाइज अच्छी रहती हैं, खाने बच्चे को फुलाती भी हैं। आलू उबला हुआ आलू दे सकती हैं, हल्का सा नमक डाल करके, जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा, खाया पिया उसको लगेगा, शरीर भी फिट रहेगा बिल्कुल। तो डायरेक्ट एकदम से तगड़े वाला फूड ना देना शुरू करें, थिकनेस पतली रखें और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेबी काफ़ी हेल्दी वेल्दी होगा। तो उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।